मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए इडली। उसको बनाने के लिए हमने 1 कप सामक के चावल लिए हुए हैं। ये इस तरीके के चावल होते हैं, इनको व्रत में यूज़ करते हैं। इडली बनाने के लिए हमने 1 कप चावल को पहले से ही पानी में डिप करके रखा हुआ है। हमने इनको आधा घंटे पहले ही पानी में अच्छे से वॉश करके डिप करके रखा हुआ था। 1 कप हमने नींबू का रस लिया हुआ है, 1 कप हमने दही ली हुई है, नमक लिया हुआ है जो व्रत में यूज़ करते हैं, सेंधा नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हुई है, 4 से 5 काली मिर्च को मैंने क्रस्ट करके रखा हुआ है, बेकिंग सोडा लिया हुआ है 1/2 टीस्पून। बेकिंग सोडा की जगह आप इनो का पाउच भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमें 1/2 टीस्पून ही लेना है। 1/2 टीस्पून हमने लिया हुआ है जीरा, 3 मैंने मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके इनको मैश करके रखा हुआ है। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल का एक्स्ट्रा पानी अलग निकाल देंगे। चावलों से एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है, एक मिक्सी का जार लेंगे और इनको बारीक पीस लेंगे। इस तरीके से पानी हटाते हुए इनका जार में इनको ऐड करेंगे और इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। थोड़ा सा हमें इसमें पानी ऐड करना है जिससे कि ये इजीली पिस जाए, हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इनको पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हम इनको बारीक पीस लेंगे। चावलों को हमने पीस लिया है, हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रखनी है, हमें इसे ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। हमने इसको पीसने में 1 टेबल स्पून पानी का ऐड किया है, क्योंकि पानी में चावल पहले से भी अच्छे से डिप किए हुए थे, उनको आधा घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के रखा हुआ था। अब हम इन्हें एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बैटर को हमें बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। इस बैटर की कंसिस्टेंसी भी हमें इस तरीके से रखनी है जैसा कि हम इडली के लिए बनाते हैं बैटर। दही को अच्छे से फेंट लेंगे और इसका पानी एक्स्ट्रा अलग निकाल देंगे। दही में से सारा एक्स्ट्रा पानी हमने अलग निकाल दिया है और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में बहुत ज़्यादा खट्टा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। इतना हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इडली को स्टफ करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है। स्टफिंग तैयार करेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। इसमें हमने 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं व्रत में तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। जीरा हमारा हो चुका है, गैस को हम सिम कर देंगे और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, काली मिर्च ऐड करेंगे क्रस्ट की हुई, हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई। अब हम इसमें मैश किए हुए बॉईल आलू भी ऐड कर देंगे, नमक 1/2 टीस्पून। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टफिंग को तैयार कर लेंगे।
जो भी मसाले आप व्रत में यूज करते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमें इसके लिए थोड़ी सी चटपटी स्टफिंग चाहिए। अगर आप तीखा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग को लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए इसी तरीके से भून लेंगे। आलूओं को जो मोटा पीस है वो हल्का सा इस तरीके से स्पैचुला से मैश करते जाएंगे। स्टफिंग को हमने अच्छे से भून लिया है। गैस को ऑफ कर देंगे और उसमें हाफ नींबू का रस ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर का यूज भी कर सकते हैं नींबू के बदले। स्टफिंग को एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और स्टफिंग को ठंडा होने देंगे। स्टफिंग को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। इस तरीके के हम इडली बनाने के लिए बाउल लेंगे क्योंकि हमें थोड़े बड़े साइज की इडलियाँ चाहिए और इनको मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। इडली बनाने के लिए कोई भी इस तरीके का गहरा बर्तन लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे और उसमें पानी को ऐड करेंगे। एक गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे इडलियों को स्टीम करने के लिए। फ्लेम को हमने लो कर दिया है और पानी को बॉईल होने देंगे। एक बार स्टफिंग को देख लेंगे। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। बैटर को रखे हुए हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। इडली बनाने के लिए हमने बाउल को भी ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। आप चाहे तो तीनों ऐड कर सकते हैं, चाहे आप बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ ऐड करेंगे। आप बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस इसके ऊपर जो हमने बचाया हुआ था वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे धीरे धीरे, जिससे कि स्पेस की एयर निकले ना। बेकिंग सोडा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बाउल लेंगे ग्रीस की हुई, जिनको हमने ऑयल लगाकर ग्रीस कर रखा है, इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करते जाएंगे। बैटर ऐड कर देंगे, बाउल में बैटर हमें हाफ ही डालना है, हमें पूरी बाउल को फिल नहीं करना है। एक बाउल और लेंगे, बैटर हमारा बचा हुआ है। बाउल को हमें इतना ही फिल करना है। एक बार पानी को चेक कर लेंगे, पानी भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। इस तरीके का कोई भी स्टैंड रख देंगे जिससे कि इसमें बाउल सेट हो जाए। एक एक बाउल को इसमें सेट कर देंगे। आप चाहे तो इनको इडली स्टैंड में बना सकते हैं, बट हमें थोड़ी सी बड़े साइज की इडली चाहिए इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं बाउल का। एक प्लेट से इस तरीके से हम इन्हें कवर कर देंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इनको 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 10 मिनट बाद हम इनको चेक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इडली को एक बार चेक कर लेंगे। ये अच्छे से स्टीम हो चुकी है, काफ़ी स्पंजी हुई है। सेंटर में फोक डालेंगे, ये नाइफ डाल के इसको एक बार चेक कर लेंगे। नाइफ हमारा बिल्कुल क्लियर आया है, इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे और सभी बाउल्स को अलग निकाल लेंगे। एक एक बाउल को उठाएंगे केयरफुली और इनको अलग निकाल देंगे और इनको ठंडा होने देंगे।
सभी इडलियों को हम ठंडा होने देंगे, बाद में हम इनको डिमोल्ट कर लेंगे। इडली हमारी ठंडी हो चुकी है, इनको नाइफ की हेल्प से इस तरीके से हल्का सा स्क्रैच करते हुए निकाल लेंगे। हल्का सा टैप करेंगे। इडली हमारी बहुत ही स्पंजी हुई है और बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। इनको हम अलग निकाल लेंगे सभी को। सभी को इसी तरीके से अलग निकाल लेंगे। काफी अच्छी हमारी इडली बनकर तैयार हुई है। एक एक इडली उठाएंगे और इनको हम बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी जाली बनकर तैयार हुई है इडली में। सभी को इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। सभी इडली को हमने कट कर लिया है। अब एक इडली को एक साइड को उठाएंगे और इस पे हम स्टफिंग को फैला देंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी वर्द वाली चटनी को लगा सकते हैं। और आप इसको ऐसे भी स्टफिंग रखते हुए फिल कर सकते हैं। चारों तरफ इस तरीके से हम इसको स्पून की हेल्प से फैला देंगे। और इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। दूसरा भी इसी तरीके से हम फिल कर लेंगे। स्टफिंग हम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ही फिल करेंगे। सभी को इसी तरीके से हम फिल करके रख लेंगे। पहले सभी इडली को हमने ढक कर लिया है। अब हम एक तवा लेंगे और इनको अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहे तो इनको इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, बट इनको थोड़ा सा सेक लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इडली को सेकने के लिए हमने ले लिया है एक तवा और गैस को ऑन कर देंगे और तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे।
तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसको हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना। अब एक एक इडली को उठाएंगे और सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको दोनों साइड से हल्का हल्का कलर चेंज होने तक सेकने देंगे। आप इस इडली को पहले से भी बनाकर रख सकते हैं और बाद में इस तरीके से जब खाना हो तब भी स्टफ्ड करके इसको सेक के खा सकते हैं गर्मा गर्म। इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है। इस साइड भी हल्का सा ऑयल लगाकर इनको सेक लेंगे। साइड को इनके चेंज कर देंगे। इडली को एक बार चेक कर लेंगे। इडली हमारी इस साइड से भी अच्छे से सिक चुकी है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी इडली बनकर हमारी तैयार हुई है। सामा के चावल की आपने खिचड़ी तो बहुत बार बनाई होगी, इस बार आप इस नई रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हमने इसे नारियल और पीनट्स की चटनी के साथ सर्व किया है। इसको आप व्रत में यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी जो व्रत में यूज़ करते हैं आप चटनी, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। और जितनी ये ज़्यादा देखने में सुंदर लग रही है उतनी ही जाने में खाने में टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।